हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी में मटन हलीम जो कि बहुत लजीज और रेशेदार एकदम ज़बरदस्त बनने वाली है। मटन की हलीम जो कि बाहर का टेस्ट आने वाला है, एकदम जैसे अपन बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में वैसा वाला टेस्ट। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मटन की हलीम जो कि बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर पहले बड़े से बाउल में ये जो हलीम का रवा आता दलिया वो ले लेंगे। यहाँ पर ये 1 कप दलिया है, इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसमें अपन ऐड करेंगे ये 1 टेबल स्पून माश दाल है, 1 टेबल स्पून चना दाल है, 1 टेबल स्पून बासमती राइस है। देखिए ये चमचे से मैंने लिया है सब। अब इसको अपन ओट्स में जो ये दलिया है उसमें ऐड कर डालेंगे जो हलीम का रवा है। अब यहाँ पर मैं 3 ग्लास पानी डाल के उसको अच्छे से वॉश करना है, एकदम 4 से 5 बार वॉश करे बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए सोक करके रख दीजिए, एक भिगा के रख दीजिए। इसको अच्छे से वॉश करिए। अब यहाँ पर मैं पानी डाल के 3 ग्लास जितना पानी डाल के उसको भिगा के रख दूँगी। अब जब भी हलीम बना रहे तो इसको पहले भिगा के रखिए 2 से 3 घंटे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 किलो जितना ये गोश्त है मटन, इसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस लीजिए क्योंकि अपन हलीम बना रहे हैं। तो और यहाँ पर देखिए 1 पीस फैट का लीजिए जो चिकनाहट के लिए डालते एकदम उसके लिए। और यहाँ पर देखिए जो मटन का पीस है बड़े बड़े, उसमें इस तरह से कट्स लगाइए बीच में क्योंकि अंदर तक अच्छे से गोश्त जल्दी से ऐसा गलेगा, इसलिए आप लोग भी इस तरह से जो मटन के पीसेस है वो बड़े साइज़ में लीजिए। तो इससे जो अपनी हलीम है वो एकदम रेशेदार बनेंगी और बहुत ही एकदम चिकट चिकट बनेंगी अच्छे से। अब यहाँ पर कुकर में ऑयल डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 3-4 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाला है। और यहाँ पर है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, को इस तरह से कट करके पहले फ्राई कर लीजिए, लाइट गोल्डन हुए तक अच्छे से फ्राई करिए उसको। ये बहुत ही टेस्टी हलीम बनती है, तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए हलीम को। इसको अच्छे से फ्राई करने का है अनियन को, जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट में नहीं कन्वर्ट होते जब तक के लिए इसको अच्छे से फ्राई करने का है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 जो तेज़पत्ता आता है वो डालिए। और यहाँ पर है खड़े गरम मसाले, यहाँ पर है 2 चम्मच शाह ज़ीरा, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े हैं और 4 से 5 इलायची और 5-6 लौंग। उसको अच्छे से मिक्स करके लोगों को फ्राई करने का है। उसके बाद देखिए 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने का है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करने का है। इसको जब तक फ्राई करने का है जब तक ये जो अदरक लहसुन का जो कच्ची स्मेल रहती है वो चले जाना चाहिए, जब तक फ्राई करिए। उसके बाद ये जो गोश्त के जो पीसेस है वो डालते जाइए, मटन के पीसेस इस तरह से। आप लोग जितना चाहे अगर चर्बी डाले तो इतनी चिकट चिकट हलीम बनती, एकदम जो फैट रहता जो फैट का पीस रहता ना वो वाला डालिए आप लोग, इससे हलीम में बहुत ज़्यादा लज्जत आती। इसको अच्छे से मिक्स करने का है अपने को 4 से 5 मिनट के लिए, पहले गोश्त को पकाने का है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जो 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर रहता वो। और यहाँ पर देखिए 2 बड़े चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालने का है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जितना चाहे तेज़ के हिसाब से आप मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर। देखिए लोगों को अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देंगे अपन थोड़ी देर के लिए, अच्छे से मिक्स करते जाइए बीच बीच में। अब उसके बाद अपन इसमें पानी ऐड करने का है। यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर दी हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर 2 गिलास, अब इसका लेड लगा के अच्छे से इसको सीटी होने तक का रखने का है। पहले आप सीटी बगैर दी के पकाइए, उबालिए, उसके बाद इसको सीटी लगा के अब पकाइए। फिर अगर प्रेशर आउट हुआ तो फिर पानी इसका जो रहता है वो निकल देगा। और यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छे से गल गया है, इसको तकरीबन 6 से 8 सीटी लगे हैं गोश्त गलने के लिए। और यहाँ पर देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा अपना जो गोश्त है मटन अच्छे से गल गया है।
अब इसको जो गोश्त के पीसेस है मटन के पीसेस, इसको प्लेट में निकाल लेने का है ठंडा होने के लिए, क्योंकि अपन इसको एक रेशेदार बना रहे तो इसको खोलने का रहता है गोश्त को अच्छे से पीसेस में। और ये जब गोश्त गला तो उसके पीसेस देखिए आप लोग एकदम अलग अलग हो गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट गोश्त गला है अपना। और यहाँ पर जो फैट वाला जो ऑयल रहता है वो निकाल लीजिए, उसको बाद में यूज़ करना रहता। अब वही कुकर में अपन जो वो दल जो क्या बोलते हैं हलीम का रवा और जो दाल मिक्स कर रहे थे, दाल और चावल जो बासमती चावल, उसको अपन 2 से 3 घंटे हो गए हैं भिगा के रखे हुए। अब इसको अपन ये कुकर में है सो ऐड कर देंगे, इसमें 2 ग्लास पानी डाल के, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल के उस और इसमें डालेंगे अपन 6 से 7 हरी मिर्ची डाल के, इसको लीड लगा के सीटी होने के रख देंगे 2 से 3। उसके बाद देखें यहाँ पर जो मटन अपन गलाए थे उसको इस तरह से फोक की मदद से इस तरह से खोलते जाइए, सेपरेट करते जाइए, लोगों की जो धारी धारी आती उस तरह से उसको खींचते जाइए। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से करिए आप लोग, तो जो अपन हलीम खाते तो उसमें सारे से पीसेस आएंगे, तो आप लोग भी इस तरह से जो मटन की पीसेस है उन लोगों को इस तरह से सेपरेट करते जाइए। और यहाँ पर देखिए जो हलीम का रवा था और जो दाल थे वो अच्छे से गल गए हैं। अब इन लोगों को एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी हलीम बनती है, एकदम स्पाइसी भी, बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पर अपन ऑनियन फ्राई करने के लिए जहाँ गार्निश करते उसके लिए यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको गर्म करके, यहाँ पर देखिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको स्लाइस में कट करके अपन इसको फ्राई करने का है, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए इसको। देखिए इस तरह से फ्राई कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पर है काजू बादाम जो गार्निशिंग के लिए डालते हैं वो वाले हैं ये। अब यहाँ पर देखिए अपना जो हलीम का रवा था वो अच्छे से एकदम कूल था, कूल डाउन हो गया था ठंडा ठंडा, तो उसको अब मिक्सर में अपन ऐड करने का है पीसने के लिए। इसका एक अच्छे से फाइन पेस्ट बनाइए आप लोग, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से बनाइए, ज़्यादा मोटा मोटा मतलब जैसा सॉलिड रहता है उसे मत रखिए, इस तरह से एकदम सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट बना लीजिए इसका। अब बाकी का भी इस तरह से बनाइए, इसको अपन निकाल लेंगे साइड में, जो बाकी का रवा है हलीम का उसको भी इस तरह से आप लोग ग्राइंड कर लीजिए। अपन बाकी का भी इसी तरह से पीस लेंगे। और ये देखिए एकदम अच्छे से पीसे गया है, एकदम फाइन पेस्ट बन के रेडी है, यहाँ पर इसको रख देंगे। और यहाँ पर देखिए जो अपन भगोने में हल्दी बनाना चाहते हैं जो बर्तन है उसमें अपन जो उसका मसाला था जो गोश्त का मसाला था वो ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद अपन जो गोश्त के जो पीसेस थे मटन के पीसेस उसको कुछ जैसा धारियाँ धारियाँ बनाए थे एकदम श्रेड्स कर लिए थे वो ऐड कर देने का है मसाले के साथ में। ये पूरा ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरह से मिक्स करें, इस तरह से मिक्स करें। उसके बाद इसमें अपन ऑयल ऐड करने का है, जो अनियन फ्राई करे थे ना वो वाला ऑयल है ये। अगर आप लोगों को ऑयल ऑयल की क्वांटिटीज अगर कम लग रही तो आप लोग और ऑयल गरम करके ऐड कर सकते हैं। और जो अपन हलीम जो पीसे थे वो हलीम का रवा जो पीसे थे वो ऐड करने का है इसको। देखिए यहाँ पर पूरा ऐड कर डाले बाद इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए। ये देखिए एकदम तेज़ तेज़ अच्छी लग रही है हलीम अपनी, इसको इस तरह से मिक्स करते जाइए, पूरा अच्छे से मिक्स करिए उसको। जो अपना जो गोश है और जो हलीम का रवा है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, और इसको इस तरह से घोटते जाइए, जो दाल घोटनी आती है अपनी उसको इस तरह से घोटते जाइए जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और अब यहाँ पर देखिए मैं आधा चम्मच कबाब चीनी और आधा चम्मच साबित काली मिर्ची ले रही हूँ उसमें ऐड करने के लिए। और इसको अपन गैस पे रख देने का, स्टोव पे फ्लेम ऑन करके, हाई पे मत रखिए लो पे रख के इसको इस तरह से घोटते जाइए मस्त, जितना आप घोटेंगे उतनी लजीज बनेगी हलीम, तो और इसमें रेशे बनेंगे अच्छे से गोश्त के, तो आप जितना हो सके इसको ऐसा कंटिन्यूसली घोटते जाइए, अच्छे से घोटते जाइए, जो अपनी दाल घोटनी आती है उससे अच्छे से घोटते जाइए, तो बहुत ही एकदम मज़ेदार टेस्ट आता है हलीम में। और जो हलीम में जो रेशेदार जो बनती है हलीम एकदम
वो इस तरह से बनती है, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से बनती है ये। अब इसको 5 से 8 मिनट के लिए इस तरह से पकाते जाने का है। देखिए एकदम मस्त, अरे बहुत टेस्टी टेस्टी हलीम बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अब उसके बाद हम यहाँ पर हरा मसाला ऐड कर देंगे, कोथमीर पुदीना, उसके बाद इसको इस तरह से फिर घोटते जाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच जो असली घी आता वो ऐड करूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, असली घी का आप ज़रूर ऐड करिए। जो असली घी का फ्लेवर आता है हलीम में बहुत ही मज़ेदार आता है, आप लोग ज़रूर ऐड करिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाने का है, जितना आप घोटते जाएंगे उतनी मज़ेदार बनेंगी हलीम, ज़रूर ट्राई करना हलीम को। देखिए किस तरह से ये रेशेदार बन रही है, एकदम एकदम धारी धारी में। और अब यहाँ पर देखिए ये बनकर रेडी है, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। अब इसको मैं सर्व करके बताऊँगी, बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी हलीम, आप लोग ज़रूर ट्राई करना है मटन हलीम को, बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप लोग ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट भी करिए कि कैसी बनी थी हलीम। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी मज़ेदार, एकदम धारी धारी के जो रेशेदार आ रहे हैं गोश्त के, वो कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और यहाँ पर जो मैं ऑयल फर्स्ट में निकाली थी वो वाला ऑयल इस पर गार्निश कर डालूँगी, ऐड कर डालूँगी इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर मैं हरा मसाला डालूँगी, कोथमीर पुदीना, और यहाँ पर जो अपन अनियन फ्राई कर रहे थे गार्निशिंग के लिए वो भी ऐड कर डालूँगी। उसके बाद यहाँ पर है काजू बादाम जो भी वो फ्राई कर रहे थे वो वाले भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर है नींबू, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी टेस्टी हलीम बन के रेडी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होंगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को कौन सी भी रेसिपी चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी ज़रूर डालूँगी वीडियो बना के। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हलीम, मैं आप खा के बताऊँगी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, एकदम टेस्टी टेस्टी, एकदम जो बाहर का टेस्ट आता है वैसा वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।